नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। मौका था बलिया के नगरा स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को आयोजित महाराज सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह का, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सुभाषपा 2017 से पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से 2017 में ओपी राजभर को संजीवनी मिल गई। उन्होंने आगे कहा कि सुभाषपा पार्टी नहीं, राजनीति की दुकान है जिसका शटर जल्द ही डाउन होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि सुभाषपा का पीला झंडा राजभरों के लिए कफन है। उन्होंने कहा ओपी राजभर जैसे सिद्धांत विहीन गैर जिम्मेदार सड़क छाप के बारे में हम बात करना बिल्कुल नहीं चाहते। ओपी राजभर सिर्फ मीडिया के मनोरंजन का साधन है। आप बिल्कुल देखिए, खात्मा तो 2017 में हो गया, लेकिन हमारे नेता देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक बड़ा दिल करके और साथ लेकर चले, और निश्चित तौर पर ओम प्रकाश की पार्टी को संजीवनी मिल गई। पहली बार विधानसभा पहुंचने का मौका मिल गया, नहीं तो खत्म तो उस समय भी हो गए होते अगर भाजपा ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, हमारे नेता ने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो। और मैं दोहराना चाहता हूं कि आप यकीन जानिए कि अब वो पार्टी तो है नहीं, पूरी तरीके से दुकान है, और उस दुकान का शटर पूरी तरीके से डाउन होने जा रहा है, और अब भारतीय समाज पार्टी ऑल आउट होने जा रही है। आप देखते रहिएगा, अब कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ये बलिया वही धरती है जहां वो सोचिए और पार्टियों का कार्यालय लखनऊ दिल्ली बनता है, उनका बलिया बनाया हुआ है कहीं। लेकिन आज रसड़ा विधानसभा से ही सबसे ज़्यादा लोग आए, तो अब यहाँ का राजभर बहुत अच्छी तरीके से एक समाज की सौदेदारी करने वाले को पहचान गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, अब उनकी दुकान पूरी तरीके से राजनीति की बंद हो गई। मंत्री जी, आपने कहा जिस तरीके से कि पहले वो स्कूटर से चलते थे और अब हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो ये जो बीच की दूरी है ओम प्रकाश राजभर ने कैसे तय की, और अगर भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं तो क्या आप ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये राजभर समाज को बेचने का उन्होंने काम किया। राजभर समाज जो एक स्वजातीय सेंटीमेंट से एक बड़ी उम्मीद के साथ उनके साथ चला था, उनको उन्होंने ठगने का काम किया। सिर्फ समाज को उन्होंने बेचने का काम किया, समाज को बेच बेच कर ही तो आज कहां से कहां चले गए। और ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ी सजा मिले कम है, जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने महापुरुष का नहीं हुआ, जिनका नाम जोड़कर पार्टी आपने बनाया, उनके नाम को भी आपने नहीं बख्शा, उनके नाम को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ा सजा ईडी या सीबीआई क्या सजा देगी। अब बलिया के लोग उनको सजा देंगे, पूर्वांचल के लोग उनको सजा देंगे। जांच संभव हो सकती आने वाले समय में, आप मानते हैं कि समाज चाहेगा तो जांच होगी? अगर समाज, मैं तो इसीलिए घूम रहा हूँ, समाज चाहेगा तो जांच करा देंगे। बलिया ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में आज जिस तरीके से सम्मेलन किया, क्या ओम प्रकाश राजभर को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बनारस मेरी विधानसभा है, और बनारस वो भी रहने वाले हैं, उनकी विधानसभा में उनके कैंडिडेट 2,000-2,500 वोट पाते, एक निर्दल से भी कम वोट पाते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, मैंने कहा कि वो पीला झंडा झंडा नहीं है, वो राजभरों का कफन है, ठीक है ना। अब वो राजभरों के सामने वो बेनकाब हो गए हैं। अब यही जो यहाँ बलिया के राजभरों ने उन्हें नेता जो बनाया था, यही के बलिया के राजभर उनको बेइज्जत कर बलिया से भगाने का काम। तो पीला गमछा उनके पास है, वो पीला को आप भगवा बना देंगे, आपका ये कहने का? पूरा भगवा, मैं आज देखिए सारे लोग आए, कमल निशान के झंडा के नीचे लोग आए, झंडा लगा कर लोग आए। अच्छा मंत्री जी, आज घोसी में उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि आप लीडर नहीं लूडर, क्या मतलब हुआ क्यों ऐसा? देखिए, वो कन्फ्यूज नेता है, फैसला करने की ताकत उनके पास नहीं है, सुबह को कुछ, शाम को कुछ, और रात को कुछ। मैंने तो कई बार कहा है कि हम तो उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, है ना। ऐसे सिद्धांत भी गैर जिम्मेदार सड़क छाप लोगों के बारे में हम लोग क्या बात करें, एक बात। दूसरी बात, भाई ठीक है, मीडिया के हमारे साथी बहुत मेहनत करते हैं,
तो उनके भी मनोरंजन के लिए कुछ लोग चाहिए, तो मीडिया के हमारे साथियों के मनोरंजन का काम वो कर रहे हैं, थोड़ा करते रहे। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।